पीएचसी चंडी को सीएचसी के रूप में अपग्रेड करने की मांग उठी है। जिला कांग्रेस युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं चंडी जिला परिषद बार्ड के सदस्य पंकज ठाकुर ने प्रेस वार्ता में सरकार के समक्ष ये मांग उठाई है। पंकज कुमार ने कहा कि पीएचसी चंडी पर 15 गांव के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आश्रित हैं। चंडी पंचायत की आबादी ही काफी अधिक है, ऐसे में पीएचसी में डॉक्टर्स की सुविधा ना होने से उक्त 15 गांव के लोगों को धर्मशाला, शाहपुर या टांडा जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में डीसी कांगड़ा के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेजा गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से ये मांग उठाई जा रही है, जिसको लेकर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार शाहपुर से संबंधित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी को भी अवगत करवाया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि चंडी को पीएचसी का दर्जा दिया जाता है तो स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा वहाँ उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पीएचसी चंडी में एक डॉक्टर है, ऐसे में यदि सरकार इसे सीएचसी का दर्जा देती है और इसका बिस्तर क्षमता 50 करती है तो 15 गांव के लोगों को घर के समीप ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार से 1 माह के भीतर पीएचसी चंडी को सीएचसी के रूप में अपग्रेड करने की मांग की गई है। यदि सरकार ने समय रहते मांग ना मानी तो 1 माह बाद ग्रामीणों के सहयोग से सीएचसी के दर्जे के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाएगा। हमने हमारी जो मांग है, मैं पंकज कुमार पंकु चढ़ी गांव से संबंध रखता हूं और मैं वहां से वार्ड नंबर 7 जिला परिषद सदस्य भी हूं और मैं वहां का एक लोकल नागरिक भी हूं। तो हमारी जो मांग है, हमारा पीएससी हॉस्पिटल जो है चड़ी में, उसकी जो अपग्रेडेशन के लिए उसको जो है सीएससी बनाया जाए, जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए, ये मांग लेके हम डीसी साहब, डीसी महोदय से अपने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को मेमोरेंडम दे के आए हैं। तो किस तरह की समस्या जो है आप लोगों को वहाँ आ रही है और अब क्या डिमांड जी? देखिए, हमारे जो चड़ी गांव है वो एक बीच में गांव पड़ता है, उसके आसपास के कम से कम कोई 15 गांव हैं जिसमें कोई 20 से 25 हज़ार की जनसंख्या है। उन लोगों को अगर ये सीएससी की फैसिलिटी मिल जाती है तो हमें ऐसा है, छोटे से छोटा काम करने के लिए भी, छोटी से छोटी समस्या को, जैसे हमारा कोई एक्सरे करवाना हो, कोई ईसीजी करवानी हो, हमने कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपना मेडिकल बनवाना हो, कोई भी किसी भी तरह की छोटी से छोटी समस्या के लिए भी हमें टांडा जाना पड़ता है। तो अगर ये समस्याएं सारी सीएससी बन जाए तो समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं, जिससे कि हमारे लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो चड़ी में ही नियर अबाउट 2-4-5 किलोमीटर के अंडर जो सारे गांव हैं, जिसमें जी जैसे कि सुढ़ेड़ गांव आता है, कजलोट आता है, अपना चड़ी आता है, अनसुई आता है, बंडी है, नागनपट है, कल्याड़ा है, मैटी है, घरो है, घेरा है, भितलू है, अपना नीचे ढड़म्ब आ जाता है, उसके नीचे धनोटो लगा लो, बटेज ठारू लगा लो। तो कम से कम मैं बोलता हूँ 20 से 25 हज़ार लोगों को इसका लाभ होगा। आप पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं, अभी तक हल नहीं हुआ है, अगर नहीं होती है आपकी मांग पूरी तो क्या आगामी रणनीति बनेगी? जी, हमारे गाँव के कुछ 5-7-10 गाँव के कुछ सीनियर सिटीजन लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, जिन्होंने ये मुद्दा नहीं था, ये हमारी ज़रूरत है, ये पूरे गांव की ज़रूरत है, पूरे लोगों की ज़रूरत है, इसको मुद्दा ना बना के हम एक ज़रूरत बोल सकते हैं। और ऐसा है कि अगर सरकार बोलती है कि हमारे पास इस टाइम फंड्स नहीं है, तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो चड़ी में जो पीएससी है उस इस टाइम पे वहाँ पर एकमेंडेशन सारा बना हुआ है। अगर डॉक्टर्स देखा जाए तो डॉक्टर्स के लिए एकमेंडेशन है, फोर्थ क्लास के लिए एकमेंडेशन है, जो भी नर्सेज वगैरह उसके लिए रूम्स वगैरह, क्वार्टर्स वगैरह बने हुए हैं। तो ऐसा है, अगर ये सरकार को एक जायज़ हमारी अपील है और जायज हमारी समस्या है, इसको सरकार को सुनना चाहिए, और अगर सरकार नहीं सुनती है तो हमारे पास कई और रास्ते भी हैं। 1 महीने के समय हम सरकार को देते हैं कि सरकार हमारी ये जो जेन्युइन समस्या है उसको सुने और इसको पूरा करे, पीएससी को सीएससी में बनाए ताकि सब लोगों को इसकी फैसिलिटी मिल सके।